चलो अब दूसरा पार्ट इसका ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। स्कैल्डर सिस्टम, स्कैल्डर सिस्टम किससे बना हुआ है? फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड अ फ्यू कार्टिलेज। किससे बना हुआ है? बोन ऑफ फ्यू कार्टिलेज। सिस्टम के पास क्या है? सिग्निफिकेंट रोल होता है मूवमेंट में, शोन करता है बॉडी। आप फूड खा रहे हो, ये सोचो आप, बिना जॉ बोन के, जबड़ा ही नहीं उसके बिना आप खा रहे हो, सोचा। और वॉक कर रहे हो बिना लिम्ब के, बहुत अलग बात है। बोनो कार्टिलेज हैं, स्पेशल कनेक्ट टिश्यू होते हैं, ठीक है। जो बोन होता है ना वो हार्ड मैट्रिक्स का बना होता है, कैल्शियम सॉल्ट का, और मैं बोलूँ और जो कार्टिलेज होता है वो स्लाइटली लैबल मैट्रिक्स का बना हुआ है। लैबल मतलब लचीला, जैसे मेरा कान है, लचीला है कि नहीं? ये कैसा है? कार्टिलेज का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का बना हुआ है। हो पाया क्लियर? हो पा रहा है ना क्लियर कि नहीं? हो गया। इसमें कौन सा कार्टिलेज होता है ईयर में, याद है? चलो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। और मैं आपको बोलूँ कि स्लाइटली लैबल मैट्रिक्स था, क्योंकि कॉन्ड्रोटिन सेल था। ह्यूमन में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206, और कुछ कार्टिलेज हैं। इन्हें हम दो प्रिंसिपल डिवीज़न पर बांट सकते हैं, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन होती हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कम होती हैं मेन एक्सिस ऑफ बॉडी। स्कल, वर्टिबल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स। स्कल दो सेट के बोन से बना हुआ है, क्रेनियल एंड फेशियल, दैट टोटल 22। क्रेनियल कितने से बने हुए हैं? 8। फेशियल 14। टोटल कितनी हो गई? 22। हो गया क्लियर? क्रेनियल बोन कितनी हैं? 8। ये हार्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है, क्रेनियम ब्रेन के लिए। फेशियल लीजन किससे बना हुआ है? 14 स्केलेटल एलिमेंट से, जो फ्रंट पार्ट बनाएंगे स्कल का, ठीक है। सिंगल यू शेप बोन क्या बोलते हैं? हाइड बोन। ये सिंगल है यू शेप बोन? नहीं, है ना, याद है? वो कहाँ पे होती है? टंग के नीचे होती है। यू शेप बोन हाइड होती है, वो प्रेजेंट होती है बेस ऑफ बक्कल कैविटी, ये इंक्लूड होती है स्कल के अंदर। सो मतलब 22 बोन के अंदर है इंक्लूड, बिल्कुल। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत कुछ आ रहा होगा, ठीक है, आगे बढ़े। जो हाइड बोन थी वो स्कल का मतलब 29 बोन में, ठीक है। 22 तो वो हो गई, और कान में हड्डियाँ होती हैं कितनी? 3। तो सर 25 होनी चाहिए। मैं बेटा, दो कान होते हैं हमारे पास, तो कितनी हुई हड्डियाँ? 28। एक हाइड बोन हो गई 29, बिल्कुल। आगे बढ़े, बिल्कुल हो गया क्लियर। सिंगल यू शेप बोन हाइड होती है, जो प्रेजेंट होती है बेस ऑफ बक्कल कैविटी, इंक्लूड किस में होती है? स्कल में। ईच मिडल ईयर, मिडल ईयर के पास क्या होती है? 3 टिनी बोन्स। हर मिडल ईयर के पास 3 टिनी बोन्स होती हैं, कौन सी? मिस, मेरियस, इनकस, स्टेप्स। कलेक्टिवली ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिबल कॉलम विद द हेल्प ऑफ टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल। स्कल रीजन किससे आर्टिकुलेट करता है? सुपीरियर रीजन वर्टिबल कॉलम की। हो पा रहा है क्लियर? हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका रीजन किससे आर्टिकुलेट करता है? सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिबल कॉलम विद द हेल्प ऑफ टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल डाइकोंडाइलिक स्कल। हो गया क्लियर? जो अवर वर्टिबल कॉलम है किससे बनी हुई है? 26 सीरियली अरेंज यूनिट से, कॉल्ड वर्टिब्रे, और डॉर्सली प्लेस्ड है। इट एक्सटेंड फ्रॉम बेस ऑफ द स्कल, स्कल के बेस से निकली, और कंस्ट्रक्ट क्या बनाएगी? मेन फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक, ठीक है। 26 सीरियली अरेंज होती हैं यूनिट यहाँ पर, और जिन्हें बोलते हैं वर्टिब्रा, और डॉर्सली प्लेस्ड होती हैं, एक्सटेंड होती हैं, बेस ऑफ द स्कल से निकलती हैं, और कहाँ कंस्ट्रक्ट क्या करती हैं? मेन फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक। ईच वर्टिब्रा के पास सेंट्रल हॉलो पोर्शन होता है, न्यूरल कैनल, जिससे स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। हो गया क्लियर? फर्स्ट वर्टिब्रा को क्या बोलते हैं? एटलस। और आर्टिकुलेट कैसे करती हैं? ऑसिपिटल कॉन्डाइल से। वर्टिबल कॉलम डिफ्रेंशिएट हो जाता है सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सियल। कटलेट विद चीज एंड सॉसेज, कटलेट विद चीज एंड सॉसेज। सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, कॉक्सियल 1 फ्यूज्ड, ठीक है, और सैक्रल
वो भी एक फ्यूज्ड। रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल, द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होता है, सर्वाइकल बोला है ना, वो इन ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन, मैंने बोला ऑलमोस्ट, मैंने क्या बोला ऑलमोस्ट, ठीक है, इंक्लूड ह्यूमन बींग, वर्टिब्रल कॉलम इंक्लूड ह्यूमन बींग, वर्टिब्रल कॉलम क्या बनाएगी, क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है, सपोर्ट द हेड एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, सपोर्ट द हेड एंड सर्व एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। स्टर्नम एक बोन होती है वेंट्रल मिडलाइन ऑफ थोरैक्स। 12 पेयर रिब्स होती हैं, ईच रिब्स किस होती हैं, थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड डॉर्सली टू वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू स्टर्नम। इट हैज टू आर्टिकुलेशन सर्फेस, दो आर्टिकुलेशन सर्फेस हैं, ठीक है, डॉर्सल एंड पे, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, बाइसिपेरिक। फर्स्ट 7 पेयर रिब्स को क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स, डॉर्सली दे आर अटैच टू थोरेसिक वर्टिब्रा, डॉर्सली किससे अटैच होती हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा से, हो पा रहा के लिए, वेरी गुड, हुआ कि नहीं हुआ पहले मुझे दोबारा बोलो, हो गया, बढ़ो आगे। 7 पेयर रिब को क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स, डॉर्सली दे आर अटैच टू थोरेसिक वर्टिब्रा एंड वेंट्रली स्टर्नम से विद द हेल्प ऑफ हाइलिंग कार्टिलेज। 8, 9, 10 वाली कौन सी, वो डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली नहीं करती स्टर्नम से, ठीक है, बट ज्वाइन कैसे जाती हैं, 7 रिब से विद द हेल्प ऑफ हाइलिंग कार्टिलेज। दीज आर कॉल्ड वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स या फॉल्स रिब। लास्ट 2 पेयर रिब्स हैं 11 से 12, वो कनेक्टेड वेंट्रली होती हैं, इन्हें बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। थोरेसिक वर्टिब्रा रिब्स एंड स्टर्नम टुगेदर फॉर्म रिब केज। मेरी बात समझ में आई, थोरेसिक वर्टिब्रा रिब्स और स्टर्नम वो क्या बनाते हैं, रिब केज, थोरेसिक वर्टिब्रा रिब्स और स्टर्नम, हो गया क्लियर, बढ़ू आगे। बोन ऑफ द लिम्स एलोंग विद ग्रेडल कंस्टिट्यूट अपेंडिकुलर सिस्टम। बोन लिम्स की किसके साथ, ग्रेडल के साथ क्या बनाती हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन। ईच लिम्स किसके बने होते हैं, 30 बोन की। द बोन ऑफ हैंड 4 लिम्स कौन कौन सी, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल, रिस्ट बोन 8 नंबर में होती हैं और मेटाकार्पस 5 नंबर में, फेलेंजिस 14 नंबर में होती है, फीमर थाई बोन लॉन्गेस्ट बोन है, टिबिया फिबुला, ठीक है, फीमर कैसी है, थाई की बोन है, लॉन्गेस्ट बोन है, टिबिया फिबुला, टार्सल एंकल, एंकल बोन कितनी है, 7 नंबर में, मेटाटार्सल 5, और बोन ऑफ द लिम्ब लेग हिंड लिम्स अ कप शेप बोन कॉल्ड पटेला, वो क्या करती है, कवर क्या कर लेती है, नी वेंट्रली नी कैप। कार्पल का नंबर कितना है, 8, मेटाकार्पल का 5, फेरेंजिस का 14, हो पा रहा है, गिन लो एक बार, 1, 2, 3, एक बार ये पोटू है ना, इन्हीं को बोलते हैं फेरेंजिस, ठीक है, फीमर थाई बोन है, लॉन्गेस्ट बोन है, टिबिया फिबुला टार्सल एंकल बोन 7 नंबर, मेटाटार्सल वगैरह, ठीक है, आगे बढ़े। जो पेक्टोरल एंड पेल्विक ग्रेडल हैं, आगे पढ़ रहा हूँ, है ना, पेक्टोरल पेल्विक ग्रेडल जो बोन की होती हैं वो किस में मदद करती हैं, अपर और लोअर लिम में, अपर के लिए पेक्टोरल, पेल्विक नीचे के लिए। विद द एक्सियल स्केलेटन ईच ग्रेडल बनती है, वो 2 हाफ से बनती है, ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल ग्रेडल कंसिस्ट ऑफ क्लेविकल एंड स्कैपुला। स्कैपुला लार्ज ट्रायंगुलर बोन होती है जो कॉम्पोजिटेड होती है डोर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स में बिटवीन 2nd and 7th रिब। इसके ऊपर लास्ट ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है कहाँ पर सिचुएटेड है, डॉर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स में 2nd और 7th रिब में। डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी स्कैपुला की स्लाइटली एलिवेटेड रिज है, डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी स्कैपुला की स्लाइटली एलिवेटेड रिज होती है, रिज देखो यहाँ की से, ठीक है, इसे बोलते हैं स्पाइन, स्लाइटली एलिवेटेड रिज को क्या बोलते हैं, स्पाइन, ठीक है। विच प्रोजेक्ट एज अ फ्लैट, जो फ्लैट प्रोजेक्ट होती है, एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड एक्रोमियन प्रोसेस, जो प्रोसेस कैसे हुई है, फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस एक्रोमियन, क्लेविकल आर्टिकुलेट विद दिस, क्लेविकल से आर्टिकुलेट करती है। ब्लो द एक्रोमियन एक डिप्रेशन होता है जिसे ग्लेनॉइड कैविटी बोलते हैं, दोबारा से इसको डिवाइस करो, स्कैपुला को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
स्कैपुलर ट्रायंगल फ्लैट बोन है, कहाँ पर सिचुएटेड, सेकंड से सेवन रिब के बीच में, ठीक है, डॉर्सली वेंट्रल नहीं, ठीक है, डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगल बॉडी स्कैपुला की स्लाइटली एलिवेटेड रिज होती है, ठीक है, डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगल बॉडी स्कैपुला की स्लाइटली एलिवेटेड रिज होती है, जिसे बोलते हैं स्पाइन, ठीक है। जो प्रोजेक्ट होती है फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस, एक्रोमेन प्रोसेस क्लेविकल आर्टिकुलेट करता है इसके साथ, एक्रोमेन के नीचे डिप्रेशन होता है, क्लिनॉइड कैविटी बोलते हैं, पीछे आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ ह्यूमरस, जो आर्टिकुलेट किससे होती है, हेड ऑफ ह्यूमरस, इससे शोल्डर जॉइंट बन जाता है। ईच क्लेविकल से लॉन्ग स्लेंडर बोन, हर क्लेविकल क्या है, लॉन्ग स्लेंडर बोन है, दो कर्विचर बोन कॉमनली, दिस बोन कॉमनली क्या बोलते हैं, कॉलर बोन, यहाँ पर होती है कॉलर बोन होती है। पैल्वेडल दो कॉक्सल बोन से बने हुए, ईच कॉक्सल बोन फ्यूजन तीन बोन से बना हुआ है, इलियम इश्कियम और प्यूबिस, इलियम प्यूबिस और इश्कियम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, हो पा रहा है क्लियर। ऑल द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ एबव बोन इज अ कैविटी कॉल्ड एसिटाबुलम, ये जितने भी पॉइंट हैं फ्यूजन के एबव बोन के, उनके पास एक कैविटी है एसिटाबुलम, जिसे थाई बोन आर्टिकुलेट करती है, हो पा रहा है क्लियर। एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन जो एबव बोन है ना, उनके फ्यूजन पे कैविटी होती है एसिटाबुलम, जिससे थाई बोन आर्टिकुलेट करती है। जो दो टू हाफ हैं पेल्विक रिडल के, वो वेंट्रली मीट करते हैं, किससे करते हैं, वेंट्रली मीट, और क्या बना लेते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस, क्या बना लेते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस, इसमें क्या कंटेन होता है, फाइब्रस कार्टिलेज, हो पाया क्लियर। दो हाफ पेल्विक रिडल के वेंट्रली मीट होंगे और क्या बना लेंगे, प्यूबिक सिम्फाइसिस, जिसमें फाइब्रस कार्टिलेज होता है, हो गया क्लियर। आगे बढ़े, हो गया ना, बढ़ू। जॉइंट आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट, जॉइंट किसके लिए एसेंशियल है, ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट के लिए, इसके आप लोग पूरा समझ में आ गया ना, सेकंड सेवंथ रिंग मैं बोलूँ डॉर्स स्लाइटली एलिवेटेड रिज स्पाइन बोलते हैं, फ्लैट एक्सपेंडेड एक्रोमेन, बिलो एक्रोमेन डिप्रेशन कॉन ग्लेनॉइड कैविटी, जिससे ह्यूमरस अटैच होगा, ठीक है, क्लेविकल आर्टिकुलेट कैसे करती है, एक्रोमेन से, ठीक है, हो रहा है ना क्लियर। जॉइंट एसेंशियल होते हैं ऑल टाइप के मूवमेंट के लिए, इन्वॉल्व द बोनी पार्ट, बोनी पार्ट इन्वॉल्व होता है, लोकोमोटिव मूवमेंट के नो एक्सेप्शन है जॉइंट, ठीक है, जॉइंट के पॉइंट होता है कॉन्टेक्ट का बिटवीन बोन और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज, जॉइंट क्या है, पॉइंट है कॉन्टेक्ट का बिटवीन बोन और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज, फोर्स जो जनरेट होता है मसल के द्वारा वो यूज टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट। वेयर द जॉइंट एक्ट एज फुलक्रम, जॉइंट किस तरह एक्ट करते हैं, फुलक्रम, प्रमुख बिंदु की तरह। द मूवेबिलिटी ऑफ दिस जॉइंट वेरी डिपेंड ऑन डिफरेंट फैक्टर, जॉइंट को क्लासिफाई कर दिया थ्री मेजर स्ट्रक्चर फॉर्म में, फाइब्रस कार्टिलेज, बोलो फाइब्रस कार्टिलेज और साइनोवियल, फाइब्रस होते हैं वो मूवमेंट को अलाउ नहीं करेंगे। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज शोन बाई फ्लैट स्कल बोन विच व्यूज टू एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइबर कनेक्टेड टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ सच टू फॉर्म क्रैनियम, फाइबर जॉइंट कोई मूवमेंट अलाउ नहीं करते, क्या आ रहा है मेरी बात समझ में, फाइबर जॉइंट क्या मूवमेंट अलाउ करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। ये इस टाइप के जॉइंट होते हैं वो फ्लैट स्कल बोन जो फ्यूज होती है एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ सच, हो गया क्लियर। ये जो जॉइंट है वो कौन शो करता है, कनेक्टिव टिश्यू, हो रहा है ना, फ्लैट स्कल बोन जो विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ सच टू फॉर्म क्रैनियम। इन कार्टिलेजन जॉइंट द बोन इन्वॉल्व आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज की मदद से जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा, वर्टिब्रा के बीच में अगल बगल वर्टिब्रल कॉलम में एज ऑफ दिस पैटर्न क्या परमिट करते हैं, लिमिटेड मूवमेंट, फाइब्रस वाले कोई मूवमेंट नहीं दिखाते, कार्टिलेजन वाले लिमिटेड, साइनोवियल वाले मूवमेंट दिखाते हैं। साइनोवियल जॉइंट आर कैरेक्टराइज बाई द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फील्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सर्फेस ऑफ टू बोन, ठीक है, फ्लूइड फील्ड साइनोवियल कैविटी है बिटवीन आर्टिकुलेटिंग सर्फेस ऑफ टू बोन, ये अरेंजमेंट क्या करता है, कंसिडरेबल मूवमेंट, दिस जॉइंट हेल्प इन लोकोमोशन एंड मैनी अदर मूवमेंट, बॉल और सॉकेट जॉइंट जो किस में होता है, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल रिडल में, हो पाया के लिए, हो पाया कि नहीं हो पाया, बॉल और सॉकेट जॉइंट किस में होता है, ह्यूमरस और पेक्टोरल रिडल में, हिंज जॉइंट न्यू जॉइंट होता है, पाइवेट जॉइंट बिटवीन एटलस एक्सिस होता है,
ग्लाइडिंग जॉइंट कार्पल के बीच में होता है, सैडल जॉइंट कार्पल एंड मेटाकार्पल थंब होता है। सर दोबारा बता दो एक बार, ग्लाइडिंग कार्पल की जरूरत पड़ेगी सर, सैडल थंब, सैडल कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, हो गया क्लियर? मैं बोलूँ बॉल और सॉकेट, बोलो बोलो बोलो, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिरडल, हिंज जॉइंट नी जॉइंट, पाइवोट जॉइंट एटलस एक्सिस, हो गया क्लियर? बॉल सॉकेट ह्यूमरस पेक्टोरल, याद आ रहा है ना सर? मायस्थेगमस ग्रेविस पढ़े, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें अफेक्ट क्या होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटिक, फैटिक मतलब थकान होने वाली है, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें अफेक्ट क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जिससे फैटिक होती है और वीकनिंग और पैरालिसिस हो जाती है स्केलेटल मसल का। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, डिजनरेशन किसका होगा, प्रोग्रेसिव हो रहा है मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है। टिटैनिक रैपिड स्पाम वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल, लो कैल्शियम लेवल होता है बॉडी फ्लूइड में, ठीक है। आर्थराइटिस इन्फ्लामेशन होता है जॉइंट में। ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है जिसमें डिक्रीज हो जाता है बोन मास और इंक्रीज चांसेस हो जाता है फ्रैक्चर का। डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का डिक्रीज लेवल किसका होता है, कॉमन कॉज होता है। गाउट में क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, जॉइंट में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि एक्युमुलेशन हो गया यूरिक एसिड क्रिस्टल का, हो गया क्लियर? ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर था, याद आ रहा है, बोन मास कम हो गया था, ठीक है। अब मैं बोलूँगा टिटैनिक रैपिड स्पाम हुआ था, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिजनरेशन हो गया स्केलेटल मसल का। मायस्थेमिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, फैटिक होनी है, वेकनिंग होती है, पैरालिसिस होती है इस टाइप, ठीक है, इस टाइप की होती है ना। आपका ये चैप्टर यहीं पे आके समाप्त होता है, ठीक है। 17 मिनट में ये हो गया ख़त्म, आगे वाले चैप्टर में और जल्दी करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। पर आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीट, थैंक यू। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।